अगर आप पर कोई M24 गन से फायरिंग करता है तो क्या ये ब्लूटूथ जैकेट आपको बचा पाएगी? चलिए देखते हैं 3D एनिमेशन से। सबसे पहले मैं अगर इस ब्लूटूथ जैकेट के ऊपर की लेयर हटा दूं तो इसके अंदर चार लेयर होती है। सबसे ऊपर होती है सिरामिक लेयर, फिर होती है एरोमेटिक लेयर, फिर होती है वर्टेक्स लेयर, फिर होती है पोलो एथेलिन लेयर होती है। और सबसे पहले सिरामिक लेयर से टकराएगी, उसके बाद में उसका शेप जो है इस तरह का हो जाएगा और उसकी स्पीड धीरे हो जाएगी। ब्लूट जो है एरोमेटिक लेयर से टकराएगी, एरोमेटिक लेयर जो है स्टील से भी ज़्यादा मजबूत होती है और ये ब्लूट की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको सारी को ऑब्जर्व कर लेगी। ब्लूट इसे चीरती हुई जो है वर्टेक्स लेयर से टकराएगी। वर्टेक्स लेयर और कुछ नहीं, एरोमेटिक का बाप है जो कि इससे ज़्यादा मजबूत है। अब लास्ट में ये हाई टेम्परेचर ब्लूट जब पॉलीएथिलीन लेयर पर जाएगी तो ये लेयर पिघल कर इसे ऐसे चकड़ लेगी। किस्मत अगर ख़राब हुई तो ये ब्लूटूथ जैकेट भी कुछ नहीं कर सकता।